ये था क्या, मतलब सच में जानना चाहता हूँ, मजाक था क्या? आज के इस वीडियो में बात करूंगा राधे मूवी के बारे में, जिसे आप G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। और इसको देखने के लिए तकरीबन आपको अपने 2 घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे, वेस्ट करने पड़ेंगे। राधे मूवी कॉपी है द आउटलॉज साउथ कोरिया की एक मूवी थी, उसकी कॉपी है। और इस मूवी का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, द आउटलॉज का रिव्यू कर चुका हूँ। आप चाहें तो आई बेल पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। इस मूवी को कास्ट किया है प्रभु देवा ने। इसके अंदर कास्ट है रणदीप हुड्डा, सलमान खान, दिशा पटानी और भी बाकी अन्य कलाकार। जब आप इस मूवी को देखोगे तब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तब इस मूवी की कहानी को बताते हैं। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, लोग जो है छोटे छोटे बच्चे उस ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए एक स्पेशलिस्ट एक ऑफिसर चाहिए जो जाकर इस ड्रग्स को रोकेगा। और उसके लिए आता है राधे। राधे जाकर इस सारी चीज को क्लियर कर देते हैं। बस कहानी खत्म, बस इतनी सी कहानी है। ये पूरी मूवी सच में एक सरदर्द है। हाँ मानता हूं सलमान खान के जो फैन होंगे उनको बुरी बात लगेगी, लेकिन सच को हजम करना सीखो यार। एक तो ये कॉपी, और कॉपी भी इनको सही ढंग से करने नहीं आई, पूरा गुड़ गोबर कर दिया इस मूवी का। मतलब आउटलॉज मूवी जाकर देखो यार, इतनी बढ़िया मूवी है और उसका गुड़ गोबर कर रखा है इन्होंने इस बॉलीवुड मूवी के अंदर। अगर कोई भी बाहर की जो मूवी है, विदेश की जो मूवी है, फॉरेन जो मूवी है, वो चाहते हैं कि उनको अपनी मूवी की बैंड बजवानी है, तो मैं काम उनको एक सलाह है कि वो जाके बॉलीवुड वालों से मिले और उनको कहे भैया इस मूवी का रीमेक, यानी एक मूवी में आप इसकी कॉपी कर दीजिए। मैं सच कहता हूं लोग ना ओरिजिनल मूवी से ना नफरत करने लग जाएंगे, इतना बढ़िया काम करके देंगे ना बॉलीवुड वाले। जब ये मूवी देख रहा था ना, तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि सलमान खान अपने फार्म हाउस पे बोर हो गए होंगे, कि उनको लगेगा यार चलो मैं बोर हो गया हूं, प्रभु देवा को फोन करते हैं, एक मूवी बनाते हैं। तो प्रभु देवा ने सोचा चलो हम सब बोर हो रहे हैं तो जनता को बोर किया जाए। ना 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 ना, बोर नहीं, जनता के सर में दर्द किया जाए, इसलिए उन्होंने ये मूवी बनाई। और इस मूवी के जो डायलॉग लिखने वाले हैं, सच कहूं यार उसको ना 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। मतलब महान तो बहुत लोग काम कर लेते हैं कि महान सोच लिया उन्होंने, लेकिन इतना गिरा हुआ सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। कि राइटर साहब को पता था कि इतना घटिया, इतना गिरा हुआ सोचने पर लोग गालियां देंगे, लेकिन गालियां ये जानते हुए भी गालियां पड़ेंगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की उन्होंने हिम्मत है और उन्होंने ये काम किया है। और ऊपर से इस मूवी के क्या एक्शन थे, मतलब वो क्या एक्शन थे यार। मतलब एक्शन वर्ड सुसाइड कर लेगा यार, सुसाइड कर क्या लेगा, वो सुसाइड कर चुका होगा अब तक तो। सबको आजादी, हाँ मानता हूं सबको आजादी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बनाने की, लेकिन भाई साहब उसको अपने तक रखा करो, पब्लिक मत किया करो यार, उसे सर में दर्द हो जाता है। एक काम करो, इसके जो मेकर्स हैं, पर शांति से अपना दिमाग शांत करके इस मूवी को देखना और सोचना क्या बनाया है, कितना बढ़िया कंटेंट बनाया, एक बार जरा खुद सोच के देखना। आज की डेट में ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है जहां पर आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाके देखें, अमेजोन के ऊपर जाके देखें, जो फॉरेन कंटेंट है वो इतना बढ़िया बढ़िया इन्होंने वेब सीरीज और मूवीज इतनी बढ़िया बनाकर देख रखी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की जो मूवीज है उनकी तारीफ कर रहा हूं, एक्चुअल में वो कंटेंट बढ़िया होता है यार, लेकिन हमारे देश की जो बॉलीवुड है उनकी बात कर लो यार, रिपीटेड कंटेंट आ रहा है। इवन इसके अंदर जो डायलॉग है वो भी रिपीट मार रखे हैं यार इन्होंने। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो मैं ऑलरेडी कहता आ रहा हूं कि जो एंटरटेनमेंट की जो मूवीज होती है, जो रियल लाइफ में एक्शन पॉसिबल नहीं होते, वो रियल लाइफ में करने की कोशिश की जाती ताकि हम एंटरटेनमेंट हो पाए या हमें एंटरटेनमेंट मिल पाए, तो उसमें लॉजिक हमें ढूंढना ही नहीं होता। कि तो मैं खुद मानता हूं या कि एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। खैर छोड़ो, जो एंटरटेनमेंट हमने ढूंढने की कोशिश की वो भी नहीं है यार। नील बट्टे सन्नाटा है इस मूवी के अंदर, और फिर उसके बाद सलमान खान सर के एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं यार। सच में उनके एक्सप्रेशन देख लो ना, आदमी मर जाएगा, मैं तो मरते मरते बचाऊ। मेरी तरफ से इस मूवी को हम देगा 0 out of 10 स्टार। सच में शायद आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है यार। ओरिजिनल मूवी जाकर देखो यार, तुम्हें मतलब गुस्सा आएगा इस मूवी के ऊपर देखकर। जब मैं देख रहा था लिटरली मुझे देखा नहीं जाता था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बीच में हाफ स्टॉप करी भैया नहीं देखी जा रही, बाद में उसको मतलब दिमाग से सही करके दोबारा से इसको देखा मैंने। चलो अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू तो शायद आप लोगों के समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी आप सलमान खान के फैन है तो बेशक आप लोगों को कौन रोक सकता है, और कोई हेट देने की जरूरत नहीं है, बेशक दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।